press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान सरकार में हाल ही में मंत्री बने टीकाराम जूली बुधवार शाम अलवर पहुंचे। उनका जिले में भव्य स्वागत किया गया। देर रात मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो गया, जिसमें टीकाराम जूली को श्रम मंत्री बनाया गया। अलवर में जूली के श्रम मंत्री बनाए जाने की खबर मिलते ही उनके समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस पहुंचकर जूली का अभिनंदन किया। इस मौके पर जूली का कहना था कि जो जिम्मेदारी मिली है उसमें श्रमिक कल्याण के लिए और युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्राथमिकता सबसे पहले तो क्या है कि लेबर के जो अधिकार हैं, मजदूरों के जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा हो, कहीं बाल मजदूरी नहीं हो और एक ऐसा सामंजस्य बने मजदूरों का और कंपनियों का कि मिलके काम करें, अच्छा काम करें, कहीं कोई ऐसी नहीं हो स्ट्राइक की कहीं नौबत आए। साथ के साथ जो स्कीमें हैं श्रम विभाग की, काफ़ी स्कीमें हैं जिनका फ़ायदा मजदूरों को नहीं मिल पाता है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनके बारे में उन सबको जानकारी कराई जाए, कैंप लगाए जाएं, लोगों के श्रम विभाग के कार्ड बनाए जाएं और उनको उस चीज़ का पूरा फायदा मिले। ये नहीं हो कि फाइलें लटकती रहें और वो बेचारे चक्कर काटते रहें, ऐसा नहीं होगा। सिस्टम से काम होगा और मजदूरों की जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार काम करेगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए प्राथमिकता रहेगी इन कंपनियों में, लोकल लोगों को रोजगार मिले। साथ ही MIA जो इंडस्ट्रियल एरिया है, MIA का विकास कराएंगे, यहाँ पे बड़े उद्योग आए जिससे कि यहाँ लोकल जो आसपास के अलवर के आसपास के लोग उनको रोजगार मिले। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।